हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन अरीना अगेन। फ्रेंड्स, आज मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप ये पूरा सेशन देख लेते हो तो आज के बाद आप कभी भी नहीं बोलोगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है ये आप आज के बाद कभी नहीं बोलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर ये 10 मिनट आपने मुझे दे दिए तो। आइए डिस्कस करते हैं आज मेमोरी को। देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? केवल दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है फ्रेंड। अभी देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में बेसिक डिफरेंस क्या है। प्राइमरी मेमोरी हमारी कैसी मेमोरी होती है फ्रेंड्स? टेम्परेरी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? टेम्परेरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है? परमानेंट मेमोरी। इट इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। ये पहला डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। दूसरा डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग, मतलब कि टेम्परेरी मेमोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये दूसरा डिफरेंस, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी, पहला डिफरेंस क्या है? प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। और परमानेंट मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल, और टेम्परेरी मेमोरी इज नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। ये तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप बुक्स पढ़ोगे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक डिफरेंस मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं। सेकेंडरी मेमोरी, आप फ्रेंड्स ध्यान से देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में। ये सारी डिवाइसेस आपको क्यों पता है, मतलब कि इन सारी डिवाइसेस से आप अवेयर क्यों होते हो? क्योंकि ये वो डिवाइसेस हैं फ्रेंड्स जिनको ऑपरेट किया जाता है किसके थ्रू? यूजर के थ्रू। मतलब कि वी ऑल आर यूजर, हम सभी ऑपरेट करते हैं किसे? हम सभी डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं इन डिवाइसेस को। यही रीजन है कि हम इनसे अवेयर होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो ये डायरेक्ट ऑपरेट किसके थ्रू करी जाती है? सीपीयू के थ्रू। मतलब कि हम इन्हें डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करते हैं, मतलब कि यूजर इन्हें डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करता है। यही रीजन है कि हमें कंफ्यूजन भी कहां पे रहता है? प्राइमरी मेमोरी में ही कंफ्यूजन रहता है, हमें सेकेंडरी मेमोरी में कंफ्यूजन नहीं रहता है। सो डिस्कस करने की आई थिंक हमें जरूरत सेकेंडरी मेमोरी को नहीं है, हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए किसे? प्राइमरी मेमोरी को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है रैम की। देखिए, रैम हमें समझना होगा, रैम होता क्या है या फिर रैम की फंक्शनिंग क्या होती है। आप लोग देखते हो आज की डेट में, आप लोग फोन में लेने जाते हो या लैपटॉप लेने जाते हो, हमारी सबसे पहला हमारा सवाल क्या होता है दुकानदार से कि रैम कितनी है इसमें। उसके बाद हम लोग पूछते हैं सीपीयू कितना है, ठीक है ना। सो रैम का रोल क्या होता है या फिर रैम की फंक्शनिंग क्या होती है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है फ्रेंड। देखिए, रैम पहली बात तो कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। मतलब कि रैम ऐसी मेमोरी है जिसमें कि डेटा होल्ड तो हो रहा है, मतलब कि डेटा सेव तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मतलब कि टेम्परेरी बेसिस पे डेटा होल्ड हो रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, रैम की फंक्शनिंग क्या होती है, मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए, इट इज लाइक आपके घर वालों ने आपको बोला, आपके फादर ने आपको 2000 का नोट दिया और बोला कि एक काम करो, यहां से आप जाओ गाड़ी में पेट्रोल डाला लेना, उसके बाद एक रिचार्ज कराना, और रिचार्ज कराने के बाद सब्जी ले लेना और वापस आ जाना। मतलब कि आपके फादर ने आपको कितने इंस्ट्रक्शन दिए? आपको तीन इंस्ट्रक्शन दिए। कौन कौन से? गाड़ी में पेट्रोल रिफिल कराना है, रिचार्ज कराना है और सब्जियां लेके आनी है। मतलब कि ये तीन इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में होल्ड हो गए। अभी आप जाते हो, आप तीनों काम करके चले आते हो, कोई बात नहीं, उस दिन ये बात खत्म हो गई। लेकिन अगर 6 महीने बाद कोई भी आपसे ये पूछ दे कि उस पर्टिकुलर डेट में आपके फादर ने आपसे क्या मंगाया था, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। रीजन इज दैट, क्योंकि ये डेली रूटीन एक्टिविटीज है। और जिस तरीके से कंप्यूटर में मेमोरी दो पार्ट में क्लासिफाई है, उसी तरीके से हमारा माइंड भी है। देखिए फ्रेंड, कंप्यूटर की मेमोरी अल्टीमेटली बनाई किसने? ह्यूमन ने बनाई हुई है। मतलब कि हमारे दिमाग से मिलता जुलता पूरा इस मेमोरी का भी स्ट्रक्चर है। मतलब कि जैसे हमारे माइंड की हम बात करें, तो हमारा माइंड भी दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, मतलब कि टेम्परेरी स्टोरेज और परमानेंट स्टोरेज। मतलब कि जो डेली रूटीन एक्टिविटीज है वो केवल उतनी देर के लिए स्टोर होती है हमारे माइंड में जितनी देर में टास्क अकॉम्प्लिश हुआ। टास्क जैसे ही अकॉम्प्लिश हुआ वैसे ही क्या हो जाते हैं? इंस्ट्रक्शन इरेज हो जाते हैं। लेकिन अगर परमानेंट मेमोरी की बात करें, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि जिस दिन आपका हाई स्कूल का रिजल्ट आया था
उस दिन किस किस रिश्तेदार ने आपसे क्या क्या कहा था, फिर आपको आई थिंक आप आज भी नहीं बोलोगे, मैं तो नहीं बोल सकता, या फिर आज की डेट में आपकी शादी होती है और आपसे 20 साल बाद भी कोई पूछे कि उस पर्टिकुलर डेट में आपने क्या पहना था, तो आप नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये जो ओकेशंस होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, इनका जो डेटा होता है, ये जो मेमोरीज होती हैं, ये हमारे माइंड में उसी तरीके से परमानेंटली होल्ड हो जाती है। लेकिन ये जो डेली रूटीन एक्टिविटीज होती है, ये टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड होती है। तो उसी तरीके से वापस आ जाते हैं टॉपिक पर, रैम। देखिए फ्रेंड्स, लाइक आप कोई भी क्लास करते हो, क्लास जैसे ही खत्म हुई आपका पहला काम क्या होता है, अपनी पॉकेट से फोन निकाला, मैसेंजर ऑन किया, किसने फेसबुक पे कमेंट किया, फिर व्हाट्सएप ऑन किया, फिर एक सॉन्ग प्ले किया, कान में हेडफोन लगाया और चल दिया। मतलब कि आपने सीपीयू को कितने इंस्ट्रक्शन पास किए, ध्यान दीजिएगा, आपने रैम से, आपने इनपुट डिवाइस से सीपीयू को कितने इंस्ट्रक्शन पास किए, 3 इंस्ट्रक्शन। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होंगे? पहला आपने मैसेंजर ऑन किया, दूसरा व्हाट्सएप आपने ऑन किया, और तीसरा इंस्ट्रक्शन आपने कौन सा दिया, सॉन्ग प्ले किया। मतलब कि सीपीयू कैसी डिवाइस है, सीपीयू प्रोसेस डिवाइस है ना, सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस तो है नहीं, प्रोसेस डिवाइस है। मतलब कि प्रोसेस डिवाइस है तो सीपीयू का काम क्या होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन उसे मिलेंगे उसे पास करना किसका काम है, सीपीयू का काम है, ध्यान दीजिएगा। आपने 3 इंस्ट्रक्शन दिए। अब यार एक चीज मुझे केवल ये बताइए, या फिर आप ये सोच के देखिए, सीपीयू का ये काम है प्रोसेस करना, सीपीयू को ये कैसे याद रहता है कि फर्स्ट के बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है और सेकेंड के बाद थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। मेरा सिर्फ सवाल यही है, मतलब कि अगर ये मेमोरी नहीं है, ये सारी चीजें याद रखना किसका काम होता है, मेमोरी का काम होता है, फिर सीपीयू को ये कैसे पता होता है। इट इज लाइक आप लैपटॉप में 3 से 4 आइकन प्रेस करते चले जाओ, आप देखोगे 1 by 1 सारे सॉफ्टवेयर ओपन होते जा रहे हैं। मतलब कि 1 by 1 सीपीयू क्या करता जा रहा है, एग्जीक्यूट करता जा रहा है सारे ऑपरेशंस को। अभी सीपीयू को ये कैसे याद रह रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब कि इसको उस चीज से कनेक्ट करके देखिए, आप एक सेकेंड के लिए सोच लीजिए, आपके पास कोई मेमोरी नहीं है, आपके पास ना टेम्परेरी मेमोरी माइंड में, ना परमानेंट मेमोरी। आपके फादर ने आपको 3 इंस्ट्रक्शन दिए, आप जैसे ही पहला इंस्ट्रक्शन आप लोगे, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलाया, आप जाके वहां पे खड़े हो गए। अब अगला इंस्ट्रक्शन कैसे आएगा जब तक मेमोरी नहीं होगी, तो मेरा सवाल यही है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, हम जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को पास करते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन सबसे पहले होल्ड कौन करता है, रैम इसे होल्ड करती है। मतलब कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को पास करते हैं, वो सबसे पहले कहां पे होल्ड होते हैं, रैम होल्ड करते हैं। उसके बाद रैम का काम क्या होता है, हमने जो भी इंस्ट्रक्शन पास किए, रैम उन सारे इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और 1 by 1 सीपीयू को क्यू में पास करती रहती है। सो ये फंक्शनिंग किसकी होती है फ्रेंड, रैम की। अब इसके बाद सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू जैसे ही 1 by 1 इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता जाता है, वैसे वैसे रैम क्या होती जाती है, आइडियल होती जाती है, मतलब कि एम्प्टी होती जाती है। आप देख रहे हो मैंने आपको रैम की फंक्शनिंग क्या बताई, प्राइमरी मेमोरी है, मतलब कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए, डेटा थोड़ी देर के लिए, मतलब कि टेम्परेरी बेसिस पे रैम में होल्ड हुआ, और उसके बाद जैसे एग्जीक्यूट हो गया, रैम ऑटोमेटिक क्या हो गई, आइडल हो गई, मतलब कि इसमें जो भी डेटा होल्ड था वो क्या हो गया, इरेज हो गया। सो ये तो फंक्शनिंग थी फ्रेंड्स किसकी, रैम की, होपफुली समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो मेमोरी है वो कौन सी है, रोम। रोम की फंक्शनिंग जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगर हम रोम की बात करें तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, रोम में स्टोर क्या होता है, मतलब कि आपने, आप लोग देखते हो, आप जब भी फोन लेने जाते हो तो आप देखते हो आप रैम पूछते हो, आप सीपीयू पूछते हो, मेमोरी पूछते हो, लेकिन आप कभी भी रोम नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि रोम के रोल से लोग अवेयर ही नहीं होते। रोम का रोल क्या होता है फोन में या फिर लैपटॉप्स में, तो देखिए फ्रेंड्स पहली चीज ध्यान रखिएगा, रोम एक मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, ओके। अब एक चीज, रोम में पहला सवाल कि रोम में डेटा कौन सा स्टोर होता है, तो ध्यान रखिएगा रोम में बायोस स्टोर होते हैं। क्या स्टोर होते हैं फ्रेंड्स, बायोस। अब बायोस क्या होते हैं, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में या फोन में जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन सबके इंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं, बायोस कहलाते हैं। और ये सारे प्रोग्राम्स कहां होल्ड होते हैं, बायोस में होल्ड होते हैं, और बायोस हमारी कहां होल्ड होती है, रोम में होल्ड होती है। सो ये पहला जवाब आपको मिल गया कि रोम जो मेमोरी है इसमें डेटा कौन सा होल्ड होता है,
तो आंसर क्या होगा, बायोस इसमें होल्ड होता है। अब बात आती है रॉम की फंक्शनिंग क्या होती है, ये वर्किंग कैसे करता है। तो ध्यान रखिएगा, रॉम बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरी है। रॉम का यूज केवल दो ही टाइम पे होता है फ्रेंड्स। दो टाइम पे कब होता है, पहला तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तब इसका रोल होता है, और दूसरा जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो तब इसका रोल होता है। मतलब कि जैसे ही आप लैपटॉप का बटन प्रेस करते हो, आप देखते हो आपने लैपटॉप का बटन प्रेस किया, तब से लेकर वेलकम स्क्रीन होने तक, मतलब ओपन होने तक, इसके बीच में कुछ टाइम कंज्यूम होता है। ये जो पर्टिकुलर टाइम होता है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, इस टाइम को बोलते हैं क्या, बूटिंग टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूटिंग टाइम इसे बोलते हैं, या फिर बूट टाइम बोलते हैं। ये जो बूटिंग टाइम होता है, इसमें एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड, देखिए जैसे ही आप लैपटॉप का बटन प्रेस करके उसे ऑन करते हो, सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट एक्टिवेट होता है, सीपीयू एक्टिवेट होता है। और सीपीयू एक्टिवेट होते ही एक रिक्वेस्ट पास करता है, किसको, रॉम को पास करता है। ये रिक्वेस्ट क्या होती है, चेक इज देयर ऑल कंपोनेंट इन वर्किंग कंडीशन ऑफ नॉट। मतलब कि आप सीपीयू एक तरीके की रिक्वेस्ट करता है रॉम को कि आप मुझे ये चेक करके बताओ कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। मतलब कि ये रिक्वेस्ट रॉम को जाती है। रॉम को ही क्यों जाती है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्लास में किसी को मॉनिटर बना दिया, मैंने बोला आप देखना कौन कौन टाइम पे आ रहा है या कौन कौन नहीं आ रहा है। अभी मुझे एक हफ्ते बाद रिपोर्ट चाहिए होगी, मैं रिपोर्ट किससे मांगूंगा, ऑब्वियस सी बात है मॉनिटर से मांगूंगा। यही रीजन है कि सीपीयू ये रिक्वेस्ट पास कैसे करता है, रॉम को करता है, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेस होती है उन सबके प्रोग्राम्स कहां पे होल्ड है, रॉम में होल्ड है, इसीलिए रॉम को ये रिक्वेस्ट पास होती है। अब जैसे ही रॉम को ये रिक्वेस्ट पास होती है, रॉम क्या करता है, सारी डिवाइसेस को चेक करता है वन बाय वन। अगर सारी डिवाइसेस वर्किंग कंडीशन में होती है तो ये एक कंडीशन रिटर्न करता है, किसको, सीपीयू को, इट इज कॉल्ड ट्रू। जैसे ही सीपीयू को ट्रू कंडीशन मिलती है, सीपीयू हमें रिडायरेक्ट कहां पे कर देता है, वेलकम स्क्रीन पर, हमारे सामने वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी कंपोनेंट नॉन वर्किंग कंडीशन में होता है तो रॉम क्या करती है, फर्स्ट कंडीशन यहां पे पास करेगी। जैसे ही सीपीयू को फर्स्ट कंडीशन मिलती है, सीपीयू फिर हमें विंडो पे रिडायरेक्ट नहीं करता, मतलब कि वेलकम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा, फिर ये हमें रिडायरेक्ट कहां पे कर देता है, डायरेक्ट बायोस में कर देता है। मतलब कि आप में से जो भी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी देखा होगा कि विंडोज करप्ट हो जाती है या फिर हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, तो आप देखोगे कभी भी आपके सामने वेलकम स्क्रीन ओपन नहीं होगी फ्रेंड्स। क्यों नहीं ओपन होगी, उसका एक रीजन है, देखिए आपकी हार्ड डिस्क अगर करप्ट हो गई तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज कहां पे इंस्टॉल्ड है, हार्ड डिस्क में ही है, और जब हार्ड डिस्क ही आपकी करप्ट है तो आपके सामने वेलकम स्क्रीन ओपन होगी क्या, नहीं होगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, यही रीजन है कि वो आपको रिडायरेक्ट सीधे कहां कर देता, बायोस पे। आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, ब्लू स्क्रीन आ जाती है जिसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, इसी ब्लू स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस सेटिंग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, रॉम की यही वर्किंग होती है। अब देखिए दूसरी बात और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो तुरंत आप देखते हो 3 से 4 सेकंड का ओवर टाइम लगता है, फिर से कंप्यूटर डायरेक्ट टीवी की तरह ऑफ नहीं होता है, 3 से 4 सेकंड कंज्यूम करता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो तुरंत रॉम को एक और रिक्वेस्ट पास होती है सीपीयू से। जैसे ही रिक्वेस्ट ये पास होती है, अब इस बार रॉम क्या करती है, रैम और सीपीयू के बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन पास हो रहे होते हैं या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है, मैंने आपको बताया था रैम क्या करती है, इंस्ट्रक्शन पास करती रहती है सीपीयू को, रॉम का काम क्या होता है, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन सक्सेसफुली टर्मिनेट करना। बात आ रही है समझ, अगर आप कंप्यूटर को टीवी की तरह ऑफ कर देते हो तो आप देखते हो कभी भी, आपने ध्यान से देखा होगा तो स्क्रीन हल्की सी फ्लैक्चुएट होती है। जैसे ही स्क्रीन ये फ्लैक्चुएट होती है, इसका मतलब क्या होता है, आपने फोर्सफुली कंप्यूटर को ऑफ किया है, और जब आप फोर्सफुली कंप्यूटर को ऑफ करते हो तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं ये सारे इंस्ट्रक्शन भी फोर्सफुली क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। जब ये फोर्सफुली टर्मिनेट होते हैं तो सीपीयू, रैम या फिर हार्ड डिस्क, इन तीनों डिवाइसेस में से किसी भी डिवाइस के करप्ट होने का रिस्क फ्रेंड्स बढ़ जाता है। यही रीजन है कि हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को प्रॉपर शट डाउन करना चाहिए, ना कि उसे टीवी की तरह ऑफ करना चाहिए। बात आ रही है समझ फ्रेंड्स, रॉम का यूज क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, कंप्यूटर को ऑन करते टाइम इसका यूज होता है, और दूसरा यूज कब होता है, कंप्यूटर को शट डाउन करते टाइम इसका यूज होता है। होपफुली रैम और रॉम इन दोनों की फंक्शनिंग आपको समझ आई होगी। इसके बाद अगर कैश मेमोरी की बात करते हैं तो ये भी प्राइमरी मेमोरी में कंसीडर करी जाती है फ्रेंड्स। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने को, सीधा साफ ऐसे समझ लो, कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है
जो कि कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट अप करती है, मतलब कि सीपीयू की स्पीड को बूस्ट अप करती है। एक्चुअली फ्रेंड्स करती क्या है, इंटरनल प्रोसेस इसका क्या होता है, ये सीपीयू की जो भी प्रोसेस साइकिल होती है उसे एक लूप में कन्वर्ट कर देती है, एन नंबर ऑफ टाइम लूप में इसे कन्वर्ट कर देती है। रीजन, सीपीयू मच फास्टर हो जाता है कैश मेमोरी के सपोर्ट से। अभी फ्रेंड एक मेरा सवाल है आपसे, मैंने क्या बोला कि प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है और इसी को हम लोग नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं। अभी जब आप बुक्स में पढ़ोगे फ्रेंड्स, जब आप बुक्स में पढ़ोगे या फिर आप कहीं से भी पढ़ोगे, आपको एक चीज हमेशा लिखी दिखाई देगी, रैम कैसी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है। रोम कैसी मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और कैश कैसी है, वोलाटाइल है। बात आ रही है फ्रेंड समझ। अभी आप हर जगह ये पढ़ते हो, बहुत ध्यान से यहां पे आपको एक बहुत सही चीज पता लगने वाली है जिसका जवाब आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला। फ्रेंड्स रैम वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपको यही तो बताया था। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी है, ऑब्वियस ही बात है, प्राइमरी मेमोरी है रैम तो क्या होगी, वोलाटाइल ही होगी। कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है तो ये भी क्या होगी, वोलाटाइल होगी। लेकिन सवाल ये है कि रोम प्राइमरी मेमोरी है तो फिर इसे भी तो वोलाटाइल होना चाहिए, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्यों है, इसे नॉन वोलाटाइल में कंसीडर क्यों किया जाता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये नॉन वोलाटाइल में है तो इसे सेकेंडरी में कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन आप इसे लिख भी रहे हो प्राइमरी मेमोरी में और कंसीडर भी कर रहे हो किसमें, नॉन वोलाटाइल में, ये क्या बात हुई। तो यही एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलता है फ्रेंड्स, यही एक सवाल है और यही एक बात है जिसकी वजह से ये वीडियोस मैं बनाता हूं और आपको पता लगती है कुछ नई बातें। सो आके देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसका एक सबसे बड़ा रीजन है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, रोम प्राइमरी मेमोरी तो है लेकिन इसे नॉन वोलेटाइल में कंसीडर क्यों करते हैं, इसे नॉन वोलेटाइल में इसलिए कंसीडर करते हैं फ्रेंड। देखिए पहला सवाल, अगर नॉन वोलेटाइल है तो प्राइमरी में क्यों कंसीडर किया। देखिए नॉन वोलेटाइल में इसे कंसीडर क्यों किया, इस सवाल का जवाब क्या है, रोम में डेटा कौन सा सेव है, मैंने आपको बताया बायोस सेव है, और बायोस एक ऐसा डेटा है जो कि एक बार ये प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए जाते हैं उसके बाद कभी भी इन्हें हमें फ्रीक्वेंटली रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि कभी भी आपने देखा होगा आपका सिस्टम स्लोअर हो जाता है, कोई आपको एडवाइस करता है रैम इंक्रीज कर लो या फिर नया सिस्टम खरीद लो जिसमें रैम ज्यादा हो, लेकिन कभी भी किसी ने आपको आज तक एडवाइस किया कि रोम अपनी इंक्रीज कर लो या रोम ज्यादा लगा लो या फिर नेक्स्ट कोई ऐसी डिवाइस देखो जिसमें रोम ज्यादा हो, नहीं, क्योंकि रोम एक ऐसी डिवाइस है जिसमें बायोस सेव है और बायोस एक ऐसे प्रोग्राम है जो कि एक बार स्टोर कर दिए जाते हैं उसके बाद वो परमानेंटली स्टोर होते हैं, उन्हें रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और परमानेंटली जो भी डेटा स्टोर होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, नॉन वोलेटाइल में कंसीडर करते हैं। तो यही रीजन है कि इसमें ऐसा डेटा स्टोर हो रहा है जो कि कैसा है, परमानेंटली है, और परमानेंटली डेटा को ही हम लोग किस से जानते हैं, नॉन वोलेटाइल में कंसीडर करते हैं। तो ये आपकी पहली बात का जवाब कि इसे नॉन वोलेटाइल क्यों बोलते हैं। ओके, अब दूसरी बात, दूसरा सवाल ये कि अगर नॉन वोलेटाइल है तो सेकेंडरी में क्यों नहीं रखा, प्राइमरी में क्यों रखा। तो फ्रेंड्स इस बात का जवाब यह है कि इसे प्राइमरी में इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे कौन ऑपरेट करता है, यूजर नहीं ऑपरेट करता है, जिसे कौन ऑपरेट करता है, सीपीयू ऑपरेट करता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने आज तक रोम को डायरेक्टली ऑपरेट किया हो, नहीं, मैंने भी नहीं किया, क्योंकि ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे कौन ऑपरेट करता है, सीपीयू ऑपरेट करता है। होपफुली दोनों बातों के सवाल के जवाब आपको पता लग गए होंगे, अभी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको मेमोरी में। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स सो हमें कमेंट करिएगा। सो गाइस इफ यू एंजॉयड दैट वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इट्स इंडियन एरिना, और भेजते रहिए हमें अपने व्यूज ताकि हम आप तक बेटर कंटेंट अपने वीडियोस के थ्रू पहुंचा सकें। थैंक यू।